कश्मीर में फेक अपॉइंटमेंट रैकेट, यानी कि ऐसा एक व्यक्ति काम कर रहा था जो लोगों को फेक चिट्ठियां बनाकर देता था कि आपकी नौकरी लग गई है, और जब लोग नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाते तो उन्हें मालूम ये चलता कि जो ऑर्डर है वो फर्जी है, जो उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है वो असल में झूठ है। ये मामला बना, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जो है रिसेंटली एक चार्जशीट दायर की है दो अक्यूज लोगों के खिलाफ 13 फाइनेंस कमीशन मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की कोर्ट में, क्योंकि जो कंप्लेनेंट थे उनका ये कहना था कि उन्हें फेक अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर है वो दिया गया, जब वो ज्वाइनिंग के लिए गए तो उन्हें मालूम चला कि ये फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर था। चार्जशीट फाइल की गई एक एफआईआर में, जो एफआईआर 2017 की थी पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर के द्वारा मंजूरुल हसन कादरी के खिलाफ और उसके अलावा अब्दुल मजीद सोफी के खिलाफ। मामला ये बना कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने इंटीमेट किया क्राइम ब्रांच कश्मीर को कि कोई इशफाक हसन डार नाम का व्यक्ति है जो कि फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर हमारे पास आया है, और फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे लिखा ये हुआ था कि ये चिट्ठी जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर ने जो है वो जारी की है, और इसमें जो व्यक्ति है उसे ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिस प्लांटेशन सिटी अर्बन श्रीनगर लगाया हुआ बताया जा रहा था। तो जिस समय ये चिट्ठी चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के पास पहुंची, उन्होंने क्राइम ब्रांच को ये कह के फॉरवर्ड की कि जब हमने वेरीफाई किया कि क्या इस लड़के की असल में अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो हमें ये मालूम चला कि ये जो चिट्ठी है ये चिट्ठी फेक है। यूथ ने, जो युवा थे जो अग्रीव थे, उन्होंने बाद में हाई कोर्ट में भी एक पिटिशन दायर की, जिसके बाद ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किए गए। कंजर्वेटर फॉरेस्ट कश्मीर ने अपना पक्ष जो है वो बताया, ऑर्डर जो प्रोड्यूस किया गया था इंडिविजुअल के द्वारा उसे वेरीफाई किया गया जब ऑफिस ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट जेन के ब्लॉक साउथ ऑफिस प्लांटेशन सिटी श्रीनगर के द्वारा, तो मालूम ये चला कि वो ऑर्डर सारे फेक थे, जिसके चलते फिर एक एफआईआर दर्ज की गई। ये बताया कि क्राइम ब्रांच कश्मीर ने कि इन्वेस्टिगेशन जिस समय हो रही थी तो इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज्ड मंजूर हसन कादरी के खिलाफ ये सारे इल्जाम प्रूव हुए, और इसके साथ साथ में ये भी बताया गया कि इसी व्यक्ति के अगेंस्ट और भी कई सारे केस दायर हैं, जिन्होंने इस व्यक्ति ने और भी कई सारे मासूम लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ बनाया है, और ये अपने आप को एक हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल बताकर लोगों को ये कहता था कि मैं आपकी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। इसके चलते जाहिर सी बात है कि फेक अपॉइंटमेंट की जहां तक बात है तो पैसे का लेन देन भी हुआ हो सकता है। हालांकि इस एफआईआर में ना ही इस चार्जशीट में जो है उसका मेंशन कहीं पर किया गया है कि कितने पैसे युवाओं से लिए गए उन्हें फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स देने के लिए, लेकिन ये जरूर कहा गया कि फॉरेस्ट विभाग तो एक विभाग है, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे मामले पहले भी एजुकेशन विभाग के साथ बन चुके हैं, जहां पर एक व्यक्ति फेक ऑर्डर लेकर, फेक ट्रांसफर ऑर्डर लेकर जो है वो डिपार्टमेंट में जाता है और उसकी बुनियाद पर सालों साल नौकरी करता रहता है। अब एक तरीका जो निकाला गया उसमें यही है कि आपके कैरेक्टर एंटीसीडेंट जो है वो वेरीफाई किए जाते हैं, और ये तो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ने मालूम ये कर लिया कि ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर फेक है। जब उसे वेरीफाई किया गया तो मालूम चला कि इस तरीके से किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं है, वरना आप समझ सकते हैं कि एक युवा जो है वो सालों साल डिपार्टमेंट में काम करता और उसके बाद मालूम चलता कि उसने तो कभी कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया ही नहीं था। ये जो डाउट्स हैं जिसको लेकर सरकार बार बार ये कहती है कि अगर कोई भी आपको आश्वासन दिलाता है खुद को एक अधिकारी बताते हुए कि आपकी नौकरी हम दिलवा देंगे, आप इतने पैसे दें आपकी नौकरी हम लगवा देंगे, तो उन पर भरोसा ना किया जाए। एक और मामला बना जो मेरे नोटिस में भी है, जो जम्मू का ही एक मामला है जहां पर एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए लिए गए उन्हें कहकर कि आपकी नौकरी लगवा दी जाएगी, फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया गया। जब वो जाकर ज्वाइनिंग के लिए गए तो वहां पर उन्हें मालूम चला कि ये जो चिट्ठी मेरे पास थी, बिल्कुल जो चिट्ठी मेरे पास थी वो चिट्ठी सब झूठ थी, वो फेक थी, उन्हें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। आजकल समय ये आ चुका है कि आपके पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी होता है, उसके बावजूद भी आपको वेरीफाई कर लेना पड़ता है कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर सच्चा है या नहीं। तो केवल एक ही बात में विश्वास रखें कि जब तक आप एग्जामिनेशन कोई क्वालिफाई नहीं करते तब तक कोई भी आपकी नौकरी नहीं लगा सकता। जहां एक तरफ अलग अलग एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल जो है वो खड़ा हुआ है, उसको लेकर एक मामला ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का मामला है। लेकिन वही ये एक मामला था कश्मीर का जहां पर फेक अपॉइंटमेंट के एक रैकेट को बस्ट किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, और ये कहा क्राइम ब्रांच कश्मीर ने कि इसी व्यक्ति ने और भी कई सारे मासूम लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ बनाया था ये कहकर कि मैं सरकारी अधिकारी हूं आपकी नौकरी लगवा सकता हूं।